अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक शेयर करूंगी चीज़। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आज आपको बहुत ही मज़े की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं। एक आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ब्यूटी ब्लेंडर है। या तो मैं इसको क्लीन करने का बताऊंगी या तो इसे मैं यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। बट नाउ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर कौन सा होता है और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास अच्छे वाला ब्यूटी ब्लेंडर आ चुका हुआ है या हमें किस तरह से अच्छे वाला ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखिए सॉफ्ट है, ये किस वजह से है ये भी आपके साथ मैं अभी शेयर करती हूँ। तो जी, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि हमने इसको कैसे वेट और ड्राई के बारे में आपके साथ किस तरह से आपने जानना है कि वेट का क्या मीनिंग है और ड्राई का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो जी अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आगे की, जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है वो शेयर करूँगी। हाँ जी, तो ये देखिए अभी भी ये काफ़ी सॉफ्ट है। ये इस वजह से सॉफ्ट है कि जब भी आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर ख़रीदें, आपका पैकेट में होता है। मेरा पैकेट गुम हो चुका है तो मैंने तो आपको वो दिखाते ही है जी। मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो मैंने ये लिया था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना ब्यूटी ब्लेंडर को आते ही, जैसे ब्यूटी ब्लेंडर न्यू लिया, यूज़ करने से पहले मैंने पहले 10-15 मिनट इसको पानी में भिगो दिया। ठीक है, वेट कर लिया इसको, पानी में भीगा रहने दिया काफ़ी 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद इसको मैं यूँ वेट करती रही, पानी स्पंज से यूँ करती रही और फिर वो पड़ा रहने दिया जब तक कि वो, फिर मैंने निकाला और अच्छी तरह से यूँ वेट कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा ब्यूटी ब्लेंडर वो अभी बेशक बड़ा नहीं है, इसे मैंने कुछ नहीं किया हुआ, बिल्कुल पानी में डिप नहीं किया हुआ, तो ये अभी भी सॉफ्ट है। ये इसी वजह से सॉफ्ट है। तो ये वाला ट्रिक आपने ज़रूर ज़रूर आजमाना है, आपको 100% इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मैं आपके साथ बताऊंगी आपको कि अगर हम यूँ अप्लाई करेंगे तो वो जो ग्लो है हमारी स्किन पर, वो जो शाइन है, स्मूथ फाउंडेशन अप्लाई हो जाती है, चाहे वो पेंट स्टिक हो, चाहे वो आपके पास फाउंडेशन हो या बीबी क्रीम हो या आपके पास हो हांडी पेस्ट। ठीक है, कोई भी, तब तक आपकी फाउंडेशन अमेजिंग नहीं लगेगी जब तक आप उसको तरीका अच्छी तरह से अपनाएंगे नहीं। यहाँ पर ब्रश भी लोग यूज़ करते हैं, ब्रश से भी यूज़ करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी यूज़ करते हैं, जिसे जो भी कंफर्टेबल है वो उसी में, उसी को उस तरीके से ही यूज़ करता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल ब्यूटी ब्लेंडर के साथ होती हूँ। फ्लैट ब्रश होता है, पहले पूरे फेस पर उससे ब्लेंड कर लेती हूँ, स्मूदली लग जाता है, फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करती हूँ, ना कि यूँ मसलती हूँ। ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा आपने यूँ 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 डैब डैब, जितना आप डैप करेंगे आपकी स्मूथ फाउंडेशन लगेगी। ठीक है, अब मैं इसे वेट करती हूँ और आप इसको देखेंगे कैसे ये इंक्रीज होता है, इसके साइज़ में कैसे डबल होता है ये, और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ बन जाएगा, ये फुल फिंगर जितना भी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको वेट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने पानी अपने बिल्कुल पास में रखा हुआ है। जब आपने मेकअप करना हो तब आपने यूं ही करना है कि अपने पास हर चीज़ रख लेनी है। इसको जब तक आप मॉइस्चराइज़ लगाएंगे, आप अपना कुछ भी अभी लगाएंगे, तब तक ये सेट हो जाएगा। ठीक है, आपने इसे दबाते रहना है, छोड़ नहीं देना, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, यूँ करना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने छोड़ देना है, फिर आपने पुश करना है, फिर आपने नॉर्मली कर देना है। ठीक है, फिर पुश करना है, आप यूं ही करते रहेंगे जब तक आपको 2-3 से 4 मरतबा बेशक आप कर लें, बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही घंटा इसी चीज़ में लगा दें, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, मैंने ये 3 से 4 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरतबा, ठीक है, की है। तो अब इसको मैं यूं ही 2-3 मिनट 1 मिनट तक भीगा रहने दूंगी ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। ठीक है,
ने सोचा कि जब तक ये सेट होता है और मैं ये चाय ले आती हूँ डाल के, तो चाय भी साथ साथ थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर पीते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम इस ब्यूटी ब्लेंडर की, तो अब इसको क्या करना है, आपने यूं कर देना है बिल्कुल अच्छी तरह से स्क्वैच स्क्वैच कर देना है बिल्कुल, कोई पानी ना अंदर रहे, बिल्कुल एकदम सेट। ये देखें बहुत 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 निकलेगा जब तक आप इसको निकालते रहेंगे, ठीक हो गया। अब आप देखें कि ये कैसे हो गया है, हो गया सॉफ्ट और स्मूथ, ठीक है। इसको जी एक आध मरतबा और कर लेंगे, फिर मैं इसको आपको बताऊँ एक और बेस्ट तरीका मैं इसको अब क्या करूँगी। अब आप खुद देखें कि इसमें कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, ठीक है, 1 इंच जितना फ़र्क पड़ा है, वाओ अमेजिंग। तो ये होती है बेस्ट ब्यूटी ब्लेंडर की पहचान, कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर बेस्ट होना चाहिए, ये है जी उसकी पहचान। क्रीज हो गया, साइज में डबल हो गया, बिल्कुल इतना सा था, अब ये बिल्कुल इतना फूल मेरी फिंगर से भी बड़ा हो चुका है, ठीक है। 1-1.5 इंच का फर्क पड़ा है, ठीक। और ये स्मूथनेस, आप सॉफ्टनेस चेक करें कि कितना सॉफ्ट हो गया है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। अब आपने क्या करना है, कोई कपड़ा ले लेना है, ठीक है, उसमें इसको यूं कर देना है पकड़ के, ठीक है। ये हो गया, बस डन, ये हो गया है तैयार ब्यूटी ब्लेंडर, बिल्कुल एकदम परफेक्ट यूज़ करने के बिल्कुल काबिल हो चुका है। और आपकी फाउंडेशन 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर ना अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप मैसेज कर वो कमेंट्स कर सकते हैं। अब अगर आपको ये काम ना आए तो देखिएगा मेरी ये ट्रिक, और ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका फाउंडेशन बहुत स्मूथली लगेगा। देखें बिल्कुल भी अब पानी नहीं लगेगा आपकी, ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा, ये बिल्कुल मज़े का हो गया है। आपने ब्यूटी ब्लेंडर इस तरह यूज़ करना है, ठीक है, इस तरह जितना आप इसको स्पंज को ब्यूटी ब्लेंडर को जितना डैब डैब करेंगे, आपकी फाउंडेशन उतनी ही अमेजिंग लगेगी। आप 100% मैं श्योर हूँ कि आपको ये जो मेरी वीडियो है हेल्पफुल रहेगी, और आप देखेंगे कि जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो आपके काम आया है। तो इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, मेक श्योर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, और जी ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, वो वीडियो को फुल वॉच कर दीजिएगा ताकि मेरा वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाए। और जी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।